अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीसीटीवी व्यूज और इस फुटेज में आप राइट साइड पे ये दूध की दुकान देख सकते हैं। दूध वाले लोग बैठे हुए हैं दुकान के अंदर अपने, और सामने से बाइक पे दो बंदे गुजरते हैं। आप देखेंगे उसके पीछे एक और बाइक आ रही है, अकेला लड़का गुजर रहा है इस बाइक पे, और एक और बाइक उसके पीछे, इसमें भी दो बंदे हैं। ये टोटल पांच बंदे आते हैं और दुकान वाले को किस तरह लूट कर जाएंगे आप इस फुटेज में देख सकते हैं। आगे जाकर ये पांचों ने गाड़ी को टर्न किया अपने तीनों बाइकों को, और बाइक खड़ी करके दूध के दुकान वाले लड़के समझ जाते हैं कि इनको लूटने आया, तो ये फौरन अंदर से फरार हो जाते हैं और आगे जाकर शोर मचाने लग जाते हैं। तो फिर ये लोग देखें इनकी दीदा दिलेरी चेक करें कि दोनों बंदे अंदर घुस जाते हैं, बाइक अपनी खड़ी कर दिया है और दो बंदे अंदर घुसे हैं। एक बाइक वाला उधर खड़ा हुआ, ये देखे सामने से लड़का बाइक में गुजर रहा है, ये भी इनका साथी है, इनके साथ गुजरा था और आके अभी खड़ा हो गया, और वापसी जाते हुए भी इनके साथ जाएगा। तो और ये हेलमेट वाला शख्स देखे बैकअप में खड़ा हुआ है, सामान लेकर ये खड़ा हुआ है, और सबको पता चल चुका है आसपास के भाई यहाँ वारदात हो रही है। सुबह तकरीबन 7:15 बजे का वक्त है और लोग पीछे जाकर शोर भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी ही इत्मीनान से बड़ी ही जल्दी इन लोगों ने कार्रवाई की है। बूढ़ा आदमी भी इनके पास जाता है, लेकिन क्या कर सकता है, उनके हाथ में सामान है। अभी आगे चले गए तो लोग आएंगे और शोर करेंगे, शोर मचाने के बाद वो उधर से फायर भी करता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है किसी को लगती नहीं, फायर बच जाते हैं वो लोग। अभी देखें ये बंदा जैसे आगे जाके शोर करेगा तो देखिए फायर किया तो बंदा फौरन डर के साइड हो जाता है। इसके बाद एक और दाढ़ी वाला शख्स आएगा इनका मुकाबला करने के लिए, सामान निकाल कर लाएगा, लेकिन वो सामान लाने में काफी देर कर देता है जिस वजह से ये लोग भाग जाते हैं। लेकिन फिर भी वो शख्स बाइक में बैठकर इनके पीछे जाता है इनका मुकाबला करने के लिए, लेकिन वो लोग जब तक फरार हो जाते हैं। आपको पता चल ये कराची का इलाका शाह लतीफ टाउन है, सेक्टर 20C अलमदीना डेरी है। यहाँ सुबह तकरीबन 7:15 बजे ये वाकया पेश आता है। ये देखें दाढ़ी वाला शख्स, इसके हाथ में सामान है और ये मुकाबला करने के लिए आता है निकलकर, लेकिन वो लोग काफी दूर जा चुके होते हैं। अभी बाइक में ये देखेंगे ये शख्स पीछे जाएगा जब तक वो लोग जा चुके होंगे। अभी दूसरे कैमरे से भी आप लोग को दिखाऊंगा कि अंदर की फुटेज भी किस तरह से ये लोग अंदर जाके वारदात करते हैं। ये देखें दाढ़ी वाला शख्स कितने बहादुरी से ये लोग जा रहे हैं इसका मुकाबला करने के लिए, लेकिन उनके पास 125 है और ये 70 बाइक पे जा रहे हैं, लेकिन वो लोग तो फरार हो चुके हैं। इस तरह की वारदात से बचने के लिए अपने पास एहतियाती सामान लाजमी रखें, लाइसेंस से अब तक एहतियाती सामान रखें। और अभी आपको अंदर की फुटेज दिखाता हूँ किस तरह से अंदर वारदात करते हैं। तो ये देखें आप अंदर की फुटेज, ये दुकान के अंदर ये दो बंदे बैठे हुए दूध के दुकान के अंदर, ये जैसे ही देखते हैं कि बाइक वाला बंदा टर्न हुआ है, दो दो बाइक पे बंदे टर्न हुए हैं, तो ये लोग समझ जाते हैं कि भाई लूटने आए। तो ये देखें दोनों बंदा ये फरार हो जाएगा, दुकान छोड़कर भाग जाता है, और इतने में ये फिर दोनों बंदे अंदर आते हैं, और अंदर आने के बाद किस तरह से ये कैश काउंटर को खाली करेंगे, किस तरह से जितना पैसा वगैरह होता है सब लूट कर फरार हो जाएंगे। तो आप लोग इससे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों की पहचान मुमकिन हो सके। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सीसीटीवी व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की न्यू आने वाली फुटेज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप कराची के हालात से बाखबर रह सकें। तो इन लोगों को पकड़वाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये देखें तीनों बंदे तीनों बाइक पे पांच बंदे जो आते हैं किस तरह फरार होते हैं, और इस वीडियो को शेयर करें। जजाकअल्लाह।